जुलाई 1948 को वो नुब्रा गार्ड्स में भर्ती हुए। सन 1948 में कर्नल जवान रंजन ने एक नौजवान होते हुए भी 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद लामा हाउस पर कब्जा करने में अपना अहम योगदान दिया। बर्फीले तूफानों के बीच 3 दिन के पैदल मार्च के बाद 21,000 फीट के ऊंचे बर्फीले पर्वत पर 15 दिसंबर 1948 को उन्होंने तुकर हिल और ब्यांगडोगरा हिल फीचर पर कब्जा करके अपनी हिम्मत का परिचय दिया और उनकी इस वीरता और अदम्य साहस के लिए उनको देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सन 1962 में उनको डीबीओ सेक्टर के चांदनी पोस्ट के पास रेस्क्यू पेट्रोल का बेहतरीन नेतृत्व करने के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। सन 1971 में उन्होंने डाल फोर्सेस का नेतृत्व करते हुए सबसे ऊंची पोस्ट में से 1.18402 पर कब्जा किया और इसके साथ तुर्तुक क्षेत्र के 804 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर भी अपना कब्जा जमाकर एक बार फिर अपने अतुलनीय साहस और अद्भुत नेतृत्व कौशल का परिचय दिया। उनके इस बेहद साहसिक कार्य के लिए उन्हें दूसरी बार भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से नवाजा गया। अपनी मातृभूमि और देश की आन बान और शान की रक्षा में अपना अद्भुत युद्ध कौशल दिखाकर दुश्मन को धूल चटाने वाले कर्नल शिवांग रंजन बार टू महावीर चक्र सेना मेडल का जीवन सभी सैनिकों और देश के नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके द्वारा किए गए अनेक बहादुरी के कार्यों और उपलब्धियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। लद्दाख की भूमि में जन्मे ऐसे महान योद्धा को उनके असाधारण युद्ध कौशल के लिए लाइन ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी के समक्ष अभी कुछ ही देर में माननीय मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल ए सेन गुप्ता अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल जीओसी 14 कोर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जब यादगार टोली शहीद स्मारक पर आए तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
Thank you.